तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इस कंपाउंड पढ़ रहे थे। इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे इथेनॉल के बारे में, जिसके बारे में और प्रॉपर्टीज इथेनॉल की हम लोग जानेंगे, साथ साथ इसका क्या रिएक्शन होता है, वो सारे चीज हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो इथेनॉल समझते सबसे पहले क्या होता है। इथेनॉल जिसका कॉमन नेम होता है अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और दूसरा नेम अगर हम लोग इसका जानना चाहें तो इसको हम लोग कहेंगे इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। केमिकल फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, या इसको आप जोड़ के भी एक साथ लिख सकते हो, सारे कार्बन को एक साथ कर दो तो हो जाएगा C2H5OH, या तो C2H5OH लिखो या CH3CH2OH लिखो, दोनों में से जो एक लिखना लिख सकते हो। C2H5OH भी चलता है, ये भी चलता है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हो कैसा होता है, तो देखो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर इसका बना देता हूँ। कार्बन कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, मैंने दोनों कार्बन को लिख दिया। इसी तरह से आप चाहो तो स्ट्रक्चर आप कभी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है, मैंने यहाँ पे कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे OH है तो O और यहाँ पे H हो गया, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दो कार्बन बॉन्ड, सारा सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल एडेड है। तो यहाँ पे है इसका केमिकल फॉर्मूला, अगर लिखना चाहो तो इथेनॉल हो जाएगा, ETHANOL, जो कि इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। OL लगा हुआ इथेन ग्रुप है और OL लगा हुआ है मतलब कि अल्कोहल ग्रुप, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप एडेड है और इथेन ग्रुप के साथ एडेड है, तो इसलिए इथेनॉल इसका नाम हो जाता है साइंटिफिकली। ओके, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। इथेनॉल की क्या प्रॉपर्टीज होती है। लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। ओके, तो रूम टेम्परेचर इसके बीच का हो जाता है। रूम टेम्परेचर अगर 25 डिग्री के आसपास बात करें तो 300 केल्विन के आसपास जाता है, तो इसके बीच में है, तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ओके, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक का, जितने भी शराब होते हैं, वाइन होता है, दारू होता है, बियर होता है, सब में इथेनॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जितने भी आप अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं, वोडका हो गया, किसी भी तरह का अल्कोहलिक ड्रिंक हो, उसमें ये प्रेजेंट होना है, जरूरी है, बिना इसके अल्कोहल होगा ही नहीं, ठीक है, बिना इसके दारू बनेगा ही नहीं। तो जितने अल्कोहलिक ड्रिंक है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट इथेनॉल होता है, परसेंटेज अलग अलग में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेन कंस्टिट्यूएंट यही होता है। इट इज ए गुड सॉल्वेंट, इसका ये जो है बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, मतलब कि किसी ऑर्गेनिक पदार्थ को या इनऑर्गेनिक तो कम, खासकर वाटर को सॉल्व कर लेता है, लेकिन ऑर्गेनिक पदार्थ को ये बड़े आराम से अपने में घुला लेता है। सो इट इज यूज इन ए मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन में यूज होता है, सच एज टिंचर आयोडीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कफ सीरस में इथेनॉल का अल्कोहल का यूज किया जाता है, अल्कोहल बोलो इथेनॉल बोलो, ठीक है, यूज किया जाता है, और मेनी अदर टॉनिक्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक चीज और ध्यान देने की बात है, जैसे इथेनॉल हो गया, ठीक है, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, तो सब तो अल्कोहल इसमें फंक्शन ग्रुप जुड़ा रहता है, तो सबको अल्कोहल नहीं बोलते, ठीक है, इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल ये बोलेंगे, लेकिन इथेनॉल इतना कॉमनली यूज होता है, इसको डायरेक्टली अल्कोहल ही बोल देते हैं, फंक्शन ग्रुप के नाम से ही इसको पूरा जानते हैं, जबकि होता ही इथेनॉल ही है ना, C2H5OH होता है, लेकिन इसको पूरा अल्कोहली नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मिथेनॉल होगा तो उसको भी अल्कोहली बोलेंगे, उसको मिथेनॉल बोलेंगे, ठीक है, ये अंतर इसमें हो जाता है। इट इज ऑल्सो सोल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, वाटर में ये सोल्युबल होता है, ठीक है, इन ऑल प्रोपोर्शन। ऑल प्रोपोर्शन का मतलब ये हो गया कि कितना भी परसेंटेज ले लो इथेनॉल का और कितना भी परसेंटेज ले लो वाटर का, किसी का भी कुछ भी परसेंटेज ले लो, आपस में मिलाओगे ये मिल जाएगा। क्यों ये डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है वाटर के साथ, इसलिए ऑर्गेनिक होने के बावजूद ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। डायलूट अल्कोहल काउज ड्रंकनेस, ठीक है, तो डायलूट अल्कोहल जो कि दारू में, शराब में, ये सब में होता है, तो उसमें डायलूटेड फॉर्म में होता है, लेसर अमाउंट में होता है, 4% 5% 20% इस तरह से, तो वो ड्रंकनेस का फील कराता है, ठीक है। टेक इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लीथल, अगर हम लोग इसको प्योर फॉर्म पे लेते हैं, 100% के फॉर्म पे अगर लेते हैं, 99% के फॉर्म पे अगर हम लोग लेते हैं इसको, तो ये लीथल हो जाता है, आपकी जान भी जा सकती है, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब कि 100% प्योर अल्कोहल, ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल लैबोरेटरी ग्रेड अल्कोहल होता है, इसका इंडस्ट्रियल यूज होता है, लैबोरेटरी में यूज होता है, डेली लाइफ में इसका कोई यूज नहीं होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल का, ठीक है। ये लीथल भी होता है, काफी हार्मफुल होता है। अब हम लोग जानेंगे रिएक्शन ऑफ इथेनॉल का।
कुछ रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है, वो हम लोग रिएक्शन जानेंगे। रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ Na, सोडियम के साथ अगर रिएक्ट करेगा इथेनॉल तो क्या बनाएगा। सबसे पहले लिख लेते हैं स्ट्रक्चर CH3CH2OH, ठीक है। इसको आप सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा CH3CH2ONa, ठीक है। प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, दो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया तो 2Na कर दो, 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो। ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो इसको सोडियम जाके रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और इसके इस हाइड्रोजन के जगह पे सोडियम अपने आप को बैठा लेगा, ठीक है। तो ये जो चीज बना इसको कहते हैं सोडियम सोडियम इथॉक्साइड ETHOXID, इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम इथॉक्साइड CH3CH2ONa, ठीक है। ये सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि ये जो अल्कोहल है ये एज ए एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। याद करो आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़े होंगे, H2SO4 के साथ जब हम लोग Na सोडियम को रिएक्ट कराए थे तो ये सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस ये हाइड्रोजन गैस निकला था, याद है। ये वाला चीज हुआ था एसिड के साथ, मिनरल एसिड के साथ। तो मिनरल एसिड के साथ अगर हम लोग सोडियम को रिएक्ट करें तो हाइड्रोजन निकला था। तो यहाँ पे भी एज ए एसिड की तरह ये बिहेव कर रहा है सोडियम के साथ रिएक्शन करने के साथ, ये सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस को ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्कोहल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है, ओके। अब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में दूसरा पढ़ते हैं, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये बनाता है इथेनॉल के साथ रिएक्शन करने पे, ठीक है। हीटिंग अल्कोहल एट 443 केल्विन विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन अ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव इथीन, ठीक है। क्या करना है, इथेनॉल लेना है सबसे पहले CH3CH2OH, ठीक है। इसमें अगर हम लोग विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं H2SO4, ये कंसंट्रेटेड रहेगा, ठीक है। और एक्सेस ऑफ हीट रहेगा और एक डालेगा 443 केल्विन पे, पहले इसको हीट भी करते हैं, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेशन कर देगा, इसमें से वाटर को रिमूव कर देगा और यहाँ पे इथीन का फॉर्मेशन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये चीज का फॉर्मेशन करेगा प्लस यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। ये देखो रिएक्शन होता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर से बता रहा हूं तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन ऊपर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे समझो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ और OH यहाँ पे लिख देता हूँ OH, यहाँ पे OH ग्रुप ऐड है, ठीक है। अब OH को इधर लिखो इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वाले कार्बन पे OH ग्रुप है, ठीक है। ये था, इसके साथ हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाले और यहाँ पे 443 केल्विन पे इसको हीट किए। तो हुआ ये, जैसे ही ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे ये एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब पानी को सोख लेता है, ठीक है, डिहाइड्रेट कर देता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये H ये वाला और ये OH ये दोनों को पकड़ के निकाल देगा यहाँ पे और ये बन जाएगा H और OH मिलके बन जाएगा वाटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला वाटर बन गया H और OH मिलके। अब प्लस जो अमाउंट जो चीज बच गया वो आप लिख दो, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, लेकिन यहाँ पे तो कार्बन बैलेंस हुआ नहीं इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो आप देखो ये इथीन बन गया ना CH2CH2, यहाँ पे इथीन, इस तरह से रिएक्शन होता है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को 443 पे हीट करने पे क्या होगा, वाटर को ये रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, क्योंकि ये अल्कोहल में से वाटर को निकाल, इथेनॉल में से वाटर को निकाल दिया और इथीन यहाँ पे गैस हमारा बना, ठीक है। ये चीज यहाँ पे रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट द लिविंग थिंग्स, तो अल्कोहल लिविंग थिंग्स में अगर अल्कोहल हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, शरीर पे क्या फर्क पड़ता है। विथ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल आर कंज्यूम, अगर लार्ज क्वांटिटी में और लंबे समय तक अल्कोहल का कंज्यूम किया जाता है, इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो हमारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है, एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ये दबा देता है, कमजोर कर देता है। तो इसमें होता क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन में लैक होगा, आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है, आप कोऑर्डिनेट कर नहीं कर पाओगे, हाथ कहीं और चलेगा, आप
हाथ हिलाना चाहो ऐसे, आप हाथ कहीं और हिलेगा, ठीक है, मेंटल कंफ्यूजन स्टेट में चले जाओगे, ठीक है, मेंटली कंफ्यूजन स्टेट में इसको लेके चले जाएगा, डाउनिज्म हो जाएगा, स्लीपीनेस होगा, नींद नींद जैसा लगने लगेगा, ठीक है, जो चक्कर आना नींद टाइप का जो होता है वो चीज होने लगेगा, लोअरिंग द नॉर्मल इनहिबिटेंस, मतलब कि सेल्फ कॉन्शियसनेस में आपको डिसीजन लेने में काफी तकलीफ आने लगेगी, ठीक है, तो ये सब चीज होता है। फाइनली स्टोपोर होने लगेगा, मतलब कि डरनेस होने लगेगा, मतलब कि हल्का झुकनी जैसा आने लगेगा, ये सब चीजें इसमें होने लगता है, डरनेस मतलब कि नशा जैसा चढ़ने लगेगा। उसके बाद ये ऐसा करते क्यों है लोग, तो ऐसा इसीलिए करते हैं, तो इंडिविजुअल मे फील रिलैक्स विदाउट रियलाइजिंग दैट द सेंस ऑफ जजमेंट, तो उनका जो सेंस ऑफ जजमेंट है वो खत्म हो जाता है, इसका थोड़ा रिलैक्स जैसा मिलता है, सेंस ऑफ टीमिंग हो जाता है, एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इंपेयर्ड हो जाता है, तो मस्कुलर कंडीशन इसमें शरीर को थोड़ा रिलैक्स मिलता है, इस कारण से ये चीज किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले, एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब हो जाता है कि 100% प्योर अल्कोहल, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डीनेचर्ड अल्कोहल को। एक चीज और बताना मैं भूल गया यहाँ पे कि एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है अगर इसको हम लोग फ्रीज कर देते हैं, मतलब कि जब जमा देते हैं इसको आइस के रूप में, तो इसको कहते हैं हमें ग्लेसेटिक अल्कोहल, ग्लेसेटिक, तो हम लोग डीनेचर अल्कोहल के बारे में जानना चाहते हैं। इथेनॉल इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट ये सब्सटेंस होता है, ठीक है, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल यूज इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाई एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथेनॉल, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी जो दारू शराब बनते हैं वो इथेनॉल से बनते हैं, अगर इंडस्ट्रियल यूज के लिए अल्कोहल का बनाया जाता है, इथेनॉल को बनाया जा रहा है, ठीक है, C2H5OH को बनाया जा रहा है इंडस्ट्रियल यूज के लिए, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल यूज बनाया जाएगा तो प्योर बनाया जाएगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको चोरी किया जाए उस अल्कोहल को और उसमें वाटर मिला के उसको अल्कोहल बना दिया जाए, ऐसा तो हो सकता है, तो इसका मिसयूज होने लगेगा। इस मिसयूज को रोकने के लिए जब इंडस्ट्रियल में प्योर अल्कोहल या इथेनॉल बनाया जाता है तो उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिया जाता है, जैसे कि मिथेनॉल, मिथेनॉल के बारे में हम लोग अभी थोड़ा देर के बाद अलग से पढ़ेंगे, जैसे कि एक मिथेनॉल होता है जो कि पॉइजनस होता है, अल्कोहल इथाइल अल्कोहल ही एकमात्र होता है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल ही एकमात्र अल्कोहल होता है जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कंज्यूम करने पे उतना कोई खास नुकसान नहीं पड़ेगा, मरोगे नहीं आप, ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप मिथेनॉल ले लो, CH3OH ले लो, या इसके बाद प्रोपेनॉल ले लो, ये सब हार्मफुल हो जाता है, सिर्फ मिथेनॉल ही है जो कि एक इथेनॉल ही है जो कि एक कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, सदियों से किया जा रहा है इन फॉर्म ऑफ शराब के फॉर्म पे, लेकिन मिथेनॉल और प्रोपेनॉल ये सबको कंज्यूम आप नहीं कर सकते, इन्हें कि कोई भी अल्कोहल लिया उसको मुंह में ले लिया, नहीं, वो तो आपका नुकसान कर देगा, ठीक है, और मिथेनॉल तो खासकर बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है, अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब इंडस्ट्रियल में जब इथेनॉल बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है, तो उसको डीनेचर्ड कर दिया जाता है, डीनेचर्ड करना मतलब कि वो यूज करने कंज्यूम करने के लिए वो यूजफुल नहीं रह जाता, आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंस मिला दिया जाता है, जैसे कि मिथेनॉल मिला दिया जाता है, ठीक है, इसके कारण उसका मिसयूज नहीं हो, इसी को कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। इसके साथ साथ कुछ डाइज भी मिला दिया जाता है, मतलब कि थोड़ा सा कलर डाल दिया जाता है उसमें, ठीक है, कलर डाल देने से वो पहचान में जाता है कि ये डीनेचर्ड वाला है, ठीक है, तो अल्कोहल को मेनली ब्लू कलर इसमें डाई डाल दिया जाता है क्योंकि इसको इजिली आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये डीनेचर्ड हो गया, ठीक है, ये नॉट फिट फॉर कंज्यूम हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, इसी इसको कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। ओके, अब हम लोग मेथेनॉल, जैसे मैंने बोला था मिथेनॉल के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मिथेनॉल क्या होता है, अनलाइक द इथेनॉल इनटेक ऑफ मिथेनॉल इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज डेथ, ठीक है, अगर थोड़ा भी हम लोग अगर मिथेनॉल को कंज्यूम कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसान कर देता है हमारे शरीर को। मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मिथेनॉल इन ए लीवर, जैसे ही मिथेनॉल हमारे शरीर में जाता है और वो लीवर तक पहुंचा तो वो मिथेनॉल में हमें कन्वर्ट कर देता है, जैसे रिएक्शन इसका आप देख सकते हो, मिथेनॉल का क्या फॉर्मूला हो गया CH3OH, ये मिथेनॉल का फॉर्मूला हो गया CH3OH, ठीक है, मीथेन और ओएल अल्कोहल ग्रुप लगा तो मीथेन के साथ लास्ट का ई हट गया और ओएल लग गया, जैसे मैंने बताया था, ठीक है, नोमेनक्लेचर में, तो मिथेनॉल बन गया, ये मिथाइल अल्कोहल भी इसको आप बोल सकते हो। तो मिथेनॉल में अगर ये लीवर में जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये HCHO, ठीक है, HCHO प्लस H2O का फॉर्म कर देता है, ये रिएक्शन हो जाता है लीवर में, ह्यूमन लीवर में ये रिएक्शन होता है, मिथाइल अल्कोहल जो है
ये मिथेनॉल में बन जाता है, एल्डिहाइड में बदल गया, मिथेनॉल में ये बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मिथेनॉल रिएक्ट रैपिडली विद दस कंपोनेंट ऑफ द सेल। अब जैसे ही मिथेनॉल बनता है, SCHO बनता है, ये हमारे कंपोनेंट ऑफ द सेल, सेल के जितने कंपोनेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया ये सब के साथ रिएक्ट करने लगता है। इट कोगुलेट प्रोटोप्लाज्म, ये कोगुलेट कर देता है। सेम वे जैसे एक को कुकिंग करने पे वो कोगुलेट हो जाता है, जैसे एक को आप बॉइल करते हैं तो जम जाता है ना सेल, उसी तरह से मिथेनॉल जैसे ही सेल में जाता है, सेल के प्रोटोप्लाज्म से रिएक्ट करता है, ये उसको कोगुलेट कर देता है। ठीक है, इस कारण से ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है शरीर के लिए और ये से कोई डेथ भी हो सकती है। मिथेनॉल ऑल्सो इफेक्ट द ऑप्टिक नर्व्स, तो आंख के जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं उसको भी ये इफेक्ट करता है एंड काउज ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस भी काउज कर सकता है। तो ये सब थे मिथेनॉल के बारे में। ठीक है, अल्कोहल एज ए फ्यूल के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल हम लोग पढ़ ही रहते हैं, C2H5OH। ठीक है, इसको एज ए फ्यूल के रूप में हम लोग जानते हैं, इसको एज ए फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। सुगर केन प्लांट आर द वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। सुगर केन प्लांट एक मस्त कन्वर्टर होता है सनलाइट को केमिकल एनर्जी बनने में। केमिकल एनर्जी बनाता है तो इसमें क्या बनाता है, सुगर के फॉर्म पे सुक्रोज बनाता है। ठीक है, अब सुगर केन जो जूस निकाला जाता है उसमें तो सुक्रोज होता है। ठीक है, और उससे हम मोलासेस प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि गाढ़ा लिक्विड एक तरह का आप कह सकते हो गन्ने के जूस का। ठीक है, उसको फर्मेंटेट किया जाता है। फर्मेंटेट करने से होता यह है कि जो सुक्रोज होता है वो इथेनॉल में टूट जाता है बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट एंड बैक्टीरिया। ठीक है, ईस्ट एंड बैक्टीरिया के एक्शन के कारण, फर्मेंटेशन के कारण वो इथेनॉल में बदल जाता है, अल्कोहल में बदल जाता है। तो यहाँ पे हमें मिल गया C2H5OH, नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस का मतलब हो गया कि सुगर केन नेचुरली ग्रो हुआ, उससे हम लोग उसका जूस निकाले, उसको गाढ़ा करके मोलासेस बना दिए, मोलासेस करके उसको फर्मेंटेट करा दिए ईस्ट का एक्शन से, और उसके बाद हमें इथाइल अल्कोहल यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल जैसे ही हमें यहाँ पे मिला, ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? अब देखो सम कंट्रीज क्या कर रहे हैं, अल्कोहल एज ए इसको फिर हम लोग प्योर कर लिए, रिफाइन कर लिए। सम कंट्री नाउ यूज अल्कोहल एज ए एडिटिव इन ए पेट्रोल। कुछ कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, पेट्रोल में 10% 20% उसमें अल्कोहल को मिला दिया जा रहा है। ठीक है, मिलाने से ये हो जाएगा कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही निकलेगा इसमें बर्निंग करने के साथ साथ पेट्रोल की भी हमें बचत होगी। ठीक है, सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर को इसको अगर हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही निकलता है। जैसे C2H5OH को अगर हम लोग ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो यहाँ पे CO2+H2O+हीट+लाइट निकलेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये टूट जाता है और ये काफी क्लीन फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, एज ए अल्टरनेटिव, तो अल्कोहल का भी हम लोग यूज कर रहे हैं एज ए फ्यूल। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो।